स्वागत है। आइए दोस्तों, आई जस्ट लव दिस बैकग्राउंड म्यूजिक। इसका नाम है कल्कि, हाँ वैसी कुछ है। सीरियसली रोंगटे खड़े कर देता है, एकदम लेजेंडरी म्यूजिक है। और अगर कॉपीराइट ना लगे, हम बातचीत करेंगे तो हम हमारा इंट्रो बना ही देंगे इसको, क्या बोलते हो? वैसे हमारा न्यू वेपन आ चुका है, अरे बाप रे आराम से, बहुत महंगा है ये, सोनी का A7S3। काम चालू है अभी, सब कुछ सेटअप होगा, उसके बाद क्या क्वालिटी मिलेगी, शूट करेंगे सीधा शूट। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या स्क्रीन साइज प्रेफर करते हैं स्मार्टफोन में, तो सबसे ज्यादा वोट्स आए 6.5 इंच को। ठीक है, मैं 6 और 6.5 के बीच में प्रेफर करता हूं, थोड़ा होल्ड करने में वो कॉम्पैक्ट भी रहता है। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेजेंडरी वीडियो बनाया है दोस्तों, जरूर से देखिए। और ऐसा सीरीज हम अभी शुरू करेंगे, आपको बीच बीच में ऐसे वीडियोस मिलेंगे, बड़ा मजा आएगा। लाइक करिए दोस्तों, खूब सारे लाइक्स, आज 25-30 हजार पार करते, चलो फटाफट से आज की रेटिंग शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं CES यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो। हर साल ये जनवरी में होता है अमेरिका में, लास वेगस में, और हजारों से ज्यादा कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। अलग अलग यूनिक हमें टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती है। 2021 में अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था, वर्चुअली जैसा कुछ हुआ, लेकिन 2022 जनवरी में ये फिजिकली होने वाला है। 5 जनवरी से 8 जनवरी तक 1300 से ज्यादा कंपनीज पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन इनकी ये शर्त है कि जिसको भी आना है वो आए, वैक्सीन यहां पर लेके आना पड़ेगा। तो लेट्स सी, मैं एक्साइटेड हूं इसके लिए, क्योंकि अब फिजिकली कुछ हो रहा है धीरे धीरे। उम्मीद करते हैं MWC भी वैसे ही हो जाए 2022 में, मजा आ जाएगा। कल दोस्तों क्वालकॉम ने अचानक में अपने 4 नए प्रोसेसर्स को लॉन्च कर दिया है। इसमें 3 5G है, 1 4G है। पहला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G प्लस 778G का सक्सेसर है। CPU की क्लॉक स्पीड बढ़ा दी है, GPU थोड़ा इंप्रूव कर दिया है। फिर आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 जो कि 8nm पर बेस्ड है, न्यू क्रायो कोर्स का इस्तेमाल किया गया है और GPU वगैरह आपको बढ़िया मिलती है। फिर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 प्लस, ये 480 से भी इसको भी थोड़ा इंप्रूव किया है। और फाइनली आता है एक 4G प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680, ये आपको 6nm पर मिलता है। जी हाँ, और इसमें भी काफी सारी अच्छी चीजें, वैसे बताया जा रहा है कि Xiaomi, Vivo, Oppo, Motorola, Honor वगैरह ये सब, और नोकिया भी, हाँ ये अपने फोन्स लाएंगे जिनमें आपको ये वाली चिपसेट्स मिलेगी। तो लेट्स सी कि कौन सबसे पहले इनको लेके आता है। वैसे ये नथिंग करके ना, नथिंग वाले बहुत कुछ कर रहे हैं। नथिंग ईयर वन उनका एक अच्छा ट्रू वायरलेस ईयरफोन है, मैं खुद पर्सनली प्राइमरी ईयरफोन की तरह इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन अभी हाल ही में 1000 रुपये उसके ऊपर बढ़ गए। साथ में वैसे उसका जो कोडनेम था जब पहले आया था, उससे पहले पोकेमॉन के कैरेक्टर पर था। अब दो नए जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये भी पोकेमॉन के कैरेक्टर पर है, एब्रा और एरसिस, और इनके फोटोज वगैरह देखो कि बस उन्होंने हिंट दिया है, तो ऐसा लग रहा है कि भाई शायद एक स्मार्टफोन हो सकता है इसमें, और एक पावर बैंक हो सकता है, या ब्लूटूथ स्पीकर्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक फोन आने की संभावना है कि वो लॉन्च कर सकते हैं जनवरी 2022 में। लेट्स सी कि नथिंग वाले की क्या प्लान से, क्या नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, आएगा आपको जरूर बताएंगे। जियो फोन नेक्स्ट की तरफ से ठीक ठाक खबरें आ रही है, मतलब अच्छी भी है बुरी भी है ऐसा समझ लीजिए। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि ये 4 नवंबर को लॉन्च हो रहा है दिवाली के आसपास, अभी सुंदर पिचाई ने भी इसको ऑफिशियली कंफर्म किया कि ये दिवाली में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब ये फोन आएगा बहुत ही लिमिटेड रहेगा, काफी कम लोगों को मतलब परचेस करने मिलेगा, और पहले जब प्राइस जो होगी वो थोड़ी कम रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्राइस बढ़ जाएगी, ऐसा यहां पर बताया जा रहा। तो ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा, ऐसा बोलते पर ये लीक है, अब ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि आजकल सारी ब्रांड्स यही कर रही है, और जियो भी अगर ऐसा करता है तो बुरा लगेगा। लेट्स सी क्या होता है, अगर 4 नवंबर को लॉन्च हो जाता है तो अनबॉक्सिंग आपको हमारी जरूर मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इंडिया में हाल ही में गूगल के साथ पार्टनरशिप किया है, उन लोगों को हेल्प करने के लिए जो एक स्टार्टअप कंपनी है और जिनको मतलब ऐप डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। उन्होंने यहां पर एक ऐप स्किल एकेडमी ओपन करी है, जहां पर जो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहता है जो स्टार्टअप से, वो इनमें कर सकता है। इनमें से 100 लोगों को वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, 6 महीने तक ये चलेगा, और उनको वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेन करेंगे, ताकि वो फ्यूचर में बेहतरीन यहां पर एप्स यहां पर डेवलप कर सके। एक बहुत ही अच्छी चीज है, एक अच्छा इनिशिएटिव है जो इंडिया में वो ये कर रहे हैं, ताकि इंडिया में हमें फ्यूचर में बहुत सारे अच्छे इंडियन एप्स देखने को मिल सकते हैं। तो कूडोस टू मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गूगल। अगर आप अमीर हैं तो यह खबर सुनिएगा, सिर्फ अमीरों के लिए। स्नैपचैट जो है इंडिया में, उन्होंने 100 मिलियन मंथली यूजर्स कंप्लीट किए, 100 मिलियन मंथली यूजर्स, यूएस के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी कंट्री में। जो स्नैपचैट का ओनर है ना, इसने एक टाइम पर जब आया नहीं था इंडिया में, तब उसने ऐसा बोला था कि इंडिया में लाने की कोई प्लानिंग नहीं है, क्योंकि इंडिया ना गरीब देश है, हमें ऐसे देश में लेके जाना है जो बहुत अमीर है। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए तो उससे पता चला था, और ये बंदा अभी बैठ के सोच रहा है यार मैंने क्या बोल दिया है, अभी इंडिया वाले ने इसको इतना अमीर कर दिया कि खुद सोचो 100 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला कि ये खबर सुनने के लिए आपको अमीर होना पड़ेगा, गरीब नहीं सुन सकते।
PUBG न्यू स्टेट और बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, आप दोनों का तड़का आपको दे रहे थे, स्किप किया, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है अभी। PUBG न्यू स्टेट में ऐसा बताया जा रहा है दोस्तों कि जैसी 11 नवंबर को ये गेम आएंगी उसी वक्त आप इंडिया में भी खेल सकेंगे, क्योंकि पहले कंफ्यूजन था कि 11 नवंबर को बोल रहे थे ना कि ग्लोबली जा रहा है तो कौन से कंट्रीज में जाएगा, तो ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया में भी होगा और इंडिया में आप 11 नवंबर को डायरेक्टली इसको खेल सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन याद रहे आपके फोन में मिनिमम 2 GB की रैम होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स बता रहे, वरना शायद आप इस गेम को नहीं खेल पाएंगे। और साथ ही साथ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में आपको कुछ दिवाली ऑफर्स वगैरह वो लोग दे रहे हैं, जैसे कि अगर आप इन गेम क्रेडिट्स लेते हैं तो आपको अलग अलग प्राइस के ऊपर आपको यूसी यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं, तो ये पूरी लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ में कुछ उन्होंने स्पिन वगैरह का भी कुछ ऑफर्स यहाँ पर लेके, जो कम प्राइस में आप स्पिन कर सकते हैं, बहुत सारे रिवॉर्ड्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया खेल रहे हैं तो जाइए, इनका पूरा फायदा उठा लीजिए। वैसे चाइना के अंदर लेनोवो अपना एक बहुत ही पावरफुल फ्लैगशिप टैबलेट लॉन्च कर रहा है, जिसका नाम है लेनोवो शाशी पैड प्रो, हाँ ऐसे कुछ नाम है। ये स्नैपड्रैगन 870 के साथ जा रहा है, 10,200 mAh की बैटरी, इसमें 30 वॉट चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज की E4 AMOLED डिस्प्ले, 12.6 इंच वाली UFS 3.1 और भी बहुत सारी चीज़ें। और ये 2 नवंबर को जा रहा है चाइना में, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन बात ये ना कि ये लोग इंडिया में लॉन्च करते नहीं है, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो मेरे अंदर से भी आवाज आती है। वैसे Redmi Note 11 सीरीज, मैं एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनके लिए, कल आपको इसके बारे में और जानकारी मैं दूंगा। वैसे Redmi Note 11 Pro जो है अब बताया जा रहा है, ऑफिशियली कंफर्म्ड हो गया है कि MediaTek Dimensity 925G चिपसेट के साथ आएगा। और ये चिपसेट आपको बताऊँ, ये हाल ही में अभी अगस्त में ही लॉन्च हुई थी, Dimensity 900 जो हमें अराउंड 25,000 की रेंज में देखने को मिलता था, ये उसका सक्सेसर है। और अगर ये अंडर 15,000 to 20,000 के बीच में आता है तो और क्या चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो प्रॉपर चीज़ें वहाँ पर गई है वो हमें इंडिया में भी मिल जाए, क्योंकि Xiaomi ने पहले ऐसा बोला था कि चाइना में वो सिर्फ अपने 5G ही फोन्स लॉन्च करेगी, इसीलिए ये तीनों फोन्स 5G है। इंडिया का आई एम नॉट श्योर, क्योंकि Redmi Note 10 सीरीज 4G थी, अगर ये 5G हो जाता है सेम चिपसेट के साथ अच्छी प्राइस पर, इस बार बहुत मजा आएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, ये देख लीजिए, ये वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट आर्टिफिशियल हार्ट है, एक 16 महीने की बच्चे की जान इसने 13 दिन तक बचाई थी, जब तक असली हार्ट नहीं आया, ये उसके अंदर था, सोचो। आज के न्यूज़ ये खत्म नहीं करता, आपको आज के न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।